साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। सब डॉक्टर बोल रहे हैं अगर वाल फंक्शन हार्ट फंक्शन एक बार डाउन हुआ तो प्लस होना मुमकिन नहीं है, उसको ऑपरेशन ही जरूरत है। विदाउट ऑपरेशन खाली हम प्रदक्षिणा कर रहे थे, हम चल रहे थे प्रदक्षिणा कर रहे थे, तो नॉर्मल जो आदमी है उससे भी ज़्यादा मेरा हार्ट फंक्शन भी हो गया है नॉर्मल विदाउट टैबलेट। कोई टैबलेट लेता नहीं हूँ मैं, मेरे साथ तो बहुत अच्छा चमत्कार हुआ है। मैं मान रहा हूँ कि भाई कोई है, यस कोई प्रॉब्लम, कोई शक्ति है यहाँ पे। मैं श्योर बता सकता हूँ कि यहाँ पे कोई शक्ति है, शक्ति काम कर रही है। सुना के आसाराम जी बापू से दीक्षा तक नहीं लिए। मैं एक्चुअली क्या वर्दादा पे आता था 7 साल पहले, मेरा बाइपास सर्जरी किया, हार्ट का बाइपास सर्जरी किया हुआ है, और उसमें क्या जो मेरा वाट हार्ट का जो वाल्व फंक्शन है वो BAPS हॉस्पिटल में मैंने जब रिपोर्ट कटवाया तो उसमें 35% था। वो एक्चुअली क्या कि एक बार वाल्व फंक्शन है डाउन हो जाता है तो उसको प्लस होने की कोई संभावना नहीं है, उसको ऑपरेशन ही करना पड़ता है। डॉक्टर ने भी मेरे को बताया BAPS हॉस्पिटल में भी मैंने ये सब रिपोर्ट नॉर्मल मेरे को बोला कि आपको दूसरी हॉस्पिटल में अगर आपको जांच करना है तो कर सकता है। 20 दिन के बाद मैंने रिपोर्ट करवाया तो वो एक्चुअली 55% हो गया। उसके बाद सेल्बी हॉस्पिटल में मैंने तीसरा रिपोर्ट निकलवाया तो वो 60% है। मतलब हर साल में हमारा ये नॉर्मल जो रिपोर्ट है वो निकलता ही है। तो उसमें क्या कि अभी ऐसे बोला कि जो नॉर्मल आदमी रहता है उसका जो रिपोर्ट है वो तुम्हारा रिपोर्ट है, मतलब आपको कोई इश्यू है, प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर मैं इधर 2-3 घंटा आता था वर्ड दादा की प्रदक्षिणा करता था और अपना जो मंत्र जाप है ओम नमः शिवाय या ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ये दोनों मंत्र में से एक मंत्र जाप करता था हर रोज़। मेरा मंत्र मतलब कॉन्स्टेंटली गोपाल दादा ये सब लोग इधर ही थे और मैं हर रोज दोपहर में इधर आता था और मेरा आज कोई टैबलेट नहीं लेता हूँ, कोई टैबलेट नहीं लेता हूँ, फिर भी मेरा हार्ट फंक्शन नॉर्मल है। कंपनी में भी मेरा ऑलरेडी क्या है कि फर्स्ट वॉकिंग में नंबर बनाया था 3 साल पहले, अगले साल मैंने जब फर्स्ट वॉकिंग किया तो 2nd नंबर आया बराबर। तो नॉर्मल जो आदमी है उससे भी ज़्यादा मेरा हार्ट फंक्शन भी हो गया है नॉर्मल विदाउट टैबलेट, कोई टैबलेट लेता नहीं हूँ मैं। जब खड़े थे तब बता रहे थे कि पहले बाहर कहीं चलने जाते थे तो दिक्कत होती थी वो हाँ, तो मैं क्या अभी पहले जब बाहर आश्रम से बाहर चलने के लिए जाता तो मुझे दिक्कत होती थी ऑपरेशन के बाद हाँ। और वर्दादा के यहाँ पे प्रदक्षिणा कर रहा था, मुझे नॉर्मल है, मेरा भाई के साथ में आता था, मेरा भाई इधर ही था तो मेरे भाई के साथ आता था और वर्दादा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चलता था फिर भी मेरे को कोई इशू नहीं होता था, कोई पेन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाहर पेन हाँ बाहर में मेरे दिक्कत होता था, ऑपरेशन शुरुआत किया था ना, ऑपरेशन किया था इसीलिए बाहर में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, लेकिन जैसे वर्दादा की प्रदक्षिणा किया था मुझे कोई इशू नहीं है। यहाँ कोई है, यस कोई प्रॉब्लम, कोई शक्ति है यहाँ पे, मैं श्योर बता सकता हूँ कि यहाँ पे कोई शक्ति है, शक्ति काम कर रही है 100%। मेरा अनुभव तो है ये कि जितने भी ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो आप और सब लोगों को बताओ कि ये रियल में यहाँ पे कोई शक्ति है और मेरा अनुभव मैंने शेयर किया है 100%। और मेरे पास ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरे पास तो मेडिकल रिपोर्ट भी है। कोई अगर हाँ कोई अगर मेरे को पूछेगा कि आपका प्रूफ क्या है तो मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ। गोपाल दादा भी है इधर, सुखराम भाई भी है, ये सब लोग इधर ही बैठते थे और मैं इधर प्रदक्षिणा कर रहा था, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा इतना इम्प्रूवमेंट है, मुझे इतना विश्वास नहीं हो रहा कि इतना इम्प्रूवमेंट है मेरा हेल्थ में। आज मैं वो स्टेज पे हूँ कि नॉर्मल आदमी जो काम करता है ना उससे मैं ज़्यादा काम करता हूँ। रियलिटी मुझे आनंद हुआ है कि यह भी कोई अद्भुत कोई शक्ति है। क्या ऐसी शक्ति है यहाँ पर बताया कि बाहर जब चलते थे तो मतलब दर्द होता था, पेन होता था, लेकिन इस मतलब ये ओरा के अंदर आने से बोले अब ये तो बापू का, यहाँ तो सबको मालूम है कि बापू ने यहाँ वटवृक्ष पर अपना शक्तिपात किया है और वो बापू की शक्तियाँ जब से इसको लगाया है बापू ने अपने हाथों सींचा है और आज इतना विशाल वटवृक्ष के रूप में आज ये प्रत्यक्ष रूप में आप सभी लोग देख रहे हैं और खाली भारत के नहीं विश्व के बहुत से साधक भाई हमारे बंधु हैं जो आते रहते हैं और आने के बाद अपना उनका खुद के अनुभव उनके भी होते हैं। और इतना ही नहीं बहुत से ऐसे हैं कि कनाडा के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं या दुबई के हैं, तो वो वहाँ से बैठे बैठे
फ़ोन के माध्यम से ही व्हाट्सअप के द्वारा ही यहाँ संकल्प उनको मैं करा देता हूँ, उनके काम होते हैं। ऐसे भी प्रत्यक्ष, ये तो भाई तो इनका तो आप प्रत्यक्ष आपने सुन ही लिया कि कहाँ ये पोजिशन था, चलने फिरने में कितनी तकलीफ होती थी, और जब से यहाँ आना शुरू हुआ सारी इनकी प्रॉब्लम में ख़त्म हो गए। और अभी इन्होंने एक बात और बताई थी जो अभी आपको नहीं बताई कि अभी भाग दौड़ का कार्यक्रम इनके कंपनी में हुआ था, उसमें 20 साल का और इनकी उम्र 45 साल की है, और ये दोनों दौड़ में फर्स्ट और सेकेंड आए हैं, जबकि और भी लोग थे। अब इतनी दौड़ के रूप में जहाँ कम से कम 500 लड़के दौड़ते हैं, इतनी उम्र में भाग के 200-300 आदमी थे, उसमें सेकंड नंबर लाना, ये तो एक प्रत्यक्ष आपके सामने प्रमाण है कि जो प्रॉब्लम की थी कतई, मतलब ऐसी हार्ट जिसकी समस्या हो वो दौड़ करके सेकंड नंबर ले आए, ये तो नामुमकिन है। ये तो बापूजी की कृपा ही है यहाँ है, जो आपने हमारे भाई के मुख से प्रत्यक्ष रूप से सुना आपने। और इस प्रकार की अनेक घटनाएं यहाँ होती रहती हैं, और होने के बाद जो भी यहाँ श्रद्धा भक्तिभाव से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती 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 ही है। मतलब हार्ट के पेशेंट होने के बावजूद भी दौड़ में हिस्सा लिया? हाँ, पहली बार तो फर्स्ट आया था, तो कंपनी वाले भी सोचने लगे कि ये फर्स्ट आया आदमी, पहली बार तो यही सोचने लगे थे कंपनी वाले सब डॉक्टर बोल रहे हैं अगर वाल्व फंक्शन हार्ट फंक्शन एक बार डाउन हुआ तो प्लस होना मुमकिन नहीं है, उसको ऑपरेशन ही ज़रूरत है। और हमारा क्या है कि विदाउट ऑपरेशन खाली हम प्रदक्षिणा कर रहे थे, हम चल रहे थे प्रदक्षिणा कर रहे थे, उसमें हमारा 35% है 50% और 50% से आप 60% गई साल अगले साल मैंने करवाया रिपोर्ट, तो उसमें 60% से भी ज़्यादा है हार्ट फंक्शन। और बोला कि नॉर्मल आदमी, ये डॉक्टर को ऐसा भी पता नहीं चला कि ये आदमी को हार्ट का बाईपास सर्जरी किया हुआ है। जब तक मैंने रिपोर्ट लेके आया तो भी मैंने बताया नहीं है कि मेरा हार्ट का बाईपास सर्जरी किया हुआ है, कि नॉर्मल है आपका रिपोर्ट, आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसको भी अगर कोई चाहिए कि भाई मेडिकल रिपोर्ट चाहिए या कुछ भी आपको बताना चाहिए, बताना है कि भाई मेरा का मेडिकल रिपोर्ट है, मेरे पास सब मेडिकल रिपोर्ट है, 7 साल का रिपोर्ट मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है, मैं रिलायंस में जॉब कर रहा हूँ और इसमें सब में ESS में भी अपलोड किया हुआ है। तो मतलब ये मेरे साथ तो बहुत अच्छा चमत्कार हुआ है, मैं मान रहा हूँ कि भाई यहाँ कोई शक्ति है 100%। क्या कहोगे, मतलब जिनको भी तकलीफ है दिक्कत है तो एक बार अवश्य मतलब आश्रम में आए, आने के बाद अपना लाभ उठाएं। और जो लोग बाहरी लोग जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, आज उनके लिए भी एक नसीहत है कि वो देखें कि बापू मेरे क्या हैं, बापू की शक्तियाँ क्या हैं, बापू ने हम लोग क्या दिया है, क्यों बापू के दरबार में आज लाखों करोड़ों लोग क्यों बापू से जुड़े, इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। अगर आदमी आर्थिक स्थिति से परेशान है तो उसका निदान होता है, और शारीरिक से है उसका भी निदान होता है, और आध्यात्मिक से अगर चाहता है तो मुक्ति का मार्ग भी बापू दिखाते हैं। तो ये चीज़ें जिस स्थान पे मिलती हों उस दिव्य स्थान के लिए और दिव्य महापुरुष को लिए, मतलब जितना भी कहा जाए कम है। और बापू जी को आज जो भी इस प्रकार से लोग प्रताड़ना दे रहे हैं, उन्होंने बापूजी को समझा नहीं बापूजी क्या है। और मैं आज आपको अपने आत्मविश्वास के साथ विशेष रूप से फिर बता देना चाहता हूं, अगर उन लोगों की आंख नहीं खुली तो 2024-25 में लोगों का क्या हश्र होगा, इसका तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।